हेलो फ्रेंड्स, अपने ब्रेस्ट साइज को घटाएं, वो भी एक हफ्ते में रोजाना 5 मिनट ये काम करके। जी हाँ, आपकी ईशा मेहरा फिर से आपके सामने हाजिर है और बहुत दिल से बहुत खुशी से स्वागत करती है आप सबका, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूँ। मेरी आइडेंटिटी आप लोगों से बनी है, आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं तभी ईशा मेहरा की पहचान बन पाई है। उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने ही प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। हमेशा मुझे इतना ही प्यार दीजिए, कोई मिस्टेक्स कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है एक्सप्लेनेशन देने में तो वो मुझसे शेयर करिए, मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे लाइव बात करूँ, आपसे मिलूँ, तो प्लीज़ मुझे इस बात का आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ। मैं लाइव होना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं लाइव हूँ, आपसे बातें करूँ। आप कब, मैं आपसे चाहती हूँ हफ्ते में एक दिन आपकी आपसे लाइव बातें करके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इससे आप अपना ब्रेस्ट साइज कम कर सकते हैं एक हफ्ते में। आप अगर 5 मिनट भी मुझे दे रहे हैं ना डेली के, तो आपका इजीली ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा। आप तो जानते हैं बल्कि ब्रेस्ट बहुत खराब लगता है, एज अ गर्ल मैं सब प्रॉब्लम फेस करती हूँ, खुद भी मैंने फेस करी है। मेरी खुद की ब्रेस्ट पहले बहुत हेवी थी, जो मैंने एक्सरसाइजेस करके ही कम करी है, उसको शेप में लेकर आ पाई हूँ। बल्किनेस, आउटर शेप जो भी हो जाती है, प्रॉपर शेप में ना होना, सब चीज़ें बहुत ही माइनस पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। आपको अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आपका प्रॉपर फिगर हो जाए, ताकि आप खुद कोई भी ड्रेसेस पहने बेझिझक पहन पाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से पहने और कॉन्फिडेंस लेवल हो कि देखो मेरी बॉडी कितनी शेप में है, मेरी ब्रेस्ट कितनी सुंदर दिख रही है। अट्रैक्शन का बहुत अच्छा पॉइंट होता है जिसको हमें बढ़ाना है और खुश रहना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपकी ईशा की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और साथ में मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिली लव वन सबके साथ बहुत सारा शेयर करें। तो चलिए, इजी एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको एक्सरसाइज भी बता रही हूँ, ये भी सेम चीज़ के लिए, चेस्ट आपकी कम हो जाएगी, आपकी जो ब्रेस्ट है वो एक्स्ट्रा फैट खत्म होकर आपके ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में आ जाएगी और आप अच्छे लगेंगे। चलिए इस तरीके से मुझे फॉलो करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको हाफ पुशअप्स करने, उसके बाद फिर साइड बेंड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, वही आपको घुटने साथ में मैट पर अटैच करने हैं, फीट को आपको क्रॉस करना है, फीट अपने यहाँ पे नहीं रखने मैट पे, ऊपर रखने हैं। हैंड्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करने, बहुत जॉइंट नहीं करने, मतलब इकट्ठे जोड़ने नहीं है और खोलने भी नहीं है ज़्यादा हैंड। अपने अपने चेस्ट को आगे लेके जाइए। अगेन अब अदर साइड पे, अब मैं आपको स्ट्रेच करना जितना हो सके हैंड्स को, अपनी बॉडी को साइड पे। इसकी आप रिपीटेशन करिए, जितनी बार आपसे हो सके उतना आप रिपीट करिए इस एक्सरसाइज को। जितना रिपीट करेंगे उतना आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपको उतना ही आपकी अच्छे एक्सरसाइज होगी। 10 टाइम्स करिए, आपको साइड बेंड होना है। पोजीशन आपको नहीं दिखी तो प्लीज़ करेक्ट ऐसे ही पोजीशन फॉलो करिए, अदरवाइज आपके कहीं और बैक में पेन होगा। पुशअप करने से बहुत बेनिफिट होगा, आपकी चेस्ट से डायरेक्ट स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना फैट आपकी यहाँ की मसल स्ट्रेच होंगी, पुल होंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका जो चेस्ट है बिल्कुल शेप में आ जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ कि आप मुझे प्लीज़ प्रॉपर पोजीशन देखिएगा, और जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज को करना कैसे है। आप देखिए, अपने हिप पर ऐसे हैंड रखिए दोनों, और हमें हिप की तरफ आगे की तरफ पुश करना है। शोल्डर स्ट्रेट है, देखिए मेरी पोजीशन। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कुछ भी स्ट्रेच नहीं पड़ रहा, बट आप देखिए अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना, एकदम धक्का देना जैसे कहते हैं ना पुश करना, वैसे करना है। तो हमारी यहाँ की मसल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा इस एरिया में, आप देखिएगा। कुछ सेकंड होल्ड करनी है पोजीशन, अच्छे से प्रेशर देना है प्रॉपर, ताकि आपको फील हो यहाँ की आपकी नसें खिंच रही हैं, जो आपकी मसल्स हैं यहाँ की पुल हो रही हैं और यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है। जितना स्ट्रेच पड़ेगा आपके यहाँ का फैट कम होगा। देखा आपने करके, आप रिलैक्स हो जाइए। ऐसे ही जब आप करेंगे तो ब्रीथ इन करना है आपको, सांस अंदर लेना है, रिलैक्स होने में छोड़ देना है सांस। बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है, यही करके देखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, कमेंट्स करेगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और बाकी आप इस एक्सरसाइज को डेली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चेस्ट का बल्कि फैट सारा खत्म हो जाएगा और आपकी ब्रेस्ट एकदम शेप में आ जाएगी, आप सुंदर दिखेंगे, कोई भी कपड़े पहन सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इसमें बहुत रिलैक्सिंग वाला है, रिलैक्सिंग मूड में हम पार्क में जाते हैं,
या हैप्पी भी फील करते तो हम ऐसे वाला करते हैं, ऐसे नहीं करते हम अपने जो बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो ऐसा वैसे ही आपको वो सेम फील करना है। यही एक्सरसाइज आपको बहुत इफेक्ट देगी, आपका चेस्ट साइज कम कर देगी। अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, इस तरीके से पीछे बैक करिए, स्माइल करते हुए। जब आप बैक पीछे लेके जाएंगे तो ब्रीथ कीजिए और फिर ब्रीथ आउट। मैं आपको करके दिखाती हूँ दोबारा। जब हमने हैंड्स नीचे करी तो ब्रीथ आउट कर दी और ऊपर लेके जाते रहे, हमने सांस खींचा अपने अंदर की तरफ, ब्रीथ इन किया, ठीक है। आपको पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच हो उतना स्ट्रेच करना है, यहाँ से जितना स्ट्रेच होंगी तभी तो आपकी चेस्ट पे इफेक्ट आएगा। तो आप प्लीज ये चीज देखिएगा कि जब आपको स्ट्रेच हो सकता है, मेरा साइज ब्रेस्ट का नॉर्मल है तो मुझे इतना स्ट्रेच में स्ट्रेच करना पड़ रहा है, कम स्ट्रेच करना पड़ रहा है। आपका अगर ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है, ज्यादा हैवी या बल्कि है, तो आपको उतना ही पीछे लेके जाना है, तभी तो इफेक्ट आएगा। मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग इतने हैंड मूवमेंट इनफ है। अगर आपकी ब्रेस्ट साइज ज्यादा है तो उसको आप उतना पीछे लेके जाइए। आप खुद फील करिए कि आपके ब्रेस्ट पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना पीछे लेके जाने में इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग करिए, अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। फ्रेंड्स, आपको जब भी एक्सरसाइज आप बीच में रेस्ट देते हैं 10 सेकेंड्स का, जैसे आपको मैंने बताया, हर एक्सरसाइज के बाद आपको 10 सेकेंड्स रेस्ट देना है। रेस्टिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मूवमेंट करते रहना है। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट किसी तरीके से भी, आपको ये रेस्टिंग रेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन अपनी आपकी बॉडी को आपको एकदम रिलैक्स मोमेंट में नहीं देना है, आपको अपनी बॉडी एक्टिव रखनी है। ये हर एक्सरसाइज के बाद करना है, ध्यान रखना है 10 सेकेंड्स का गैप दीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को इस तरह से एक्टिव रखिए, तभी इफेक्ट आएगा। सेम एक्सरसाइज एज इट इज मुझे फॉलो करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो दोबारा मेरी वीडियो रिप्ले करें और दोबारा चेक करें, लेकिन गलत एक्सरसाइज मत करेगा नहीं तो आपकी बॉडी पेन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज है, ऐसा कोई भी हार्ड चीज नहीं करनी कि आपको आप कर नहीं सके, स्पेशल आपको बहुत सारा टाइम निकालना पड़े, बस आप घर बैठे बैठे अपनी ब्रेस्ट को शेप में लेकर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट को सारा दूर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। बस मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईशा मेहरा बन जाए, आपकी सारी टेंशन मैं दूर कर दूँ, आपको लगे कोई टेंशन है ईशा से शेयर करो और वो सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। मैं आपका मेंटल स्ट्रेस, आपके घर की टेंशन तो नहीं कर सकती, बट आपकी बॉडी रिलेटेड जितनी भी टेंशन है वो सब मेरी गारंटी है कि आपकी ईशा दूर कर देगी। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना मत भूलिए। मैं जाती हूँ और आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ ऐसे ही इजी और प्यारी एक्सरसाइजेस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।